कितने बजे हैं, 11 बज चुके हैं। काम तो सारा हो चुका था मेरा 9:30 बजे, बट आ रही थी बारिश तो कपड़े धो लिए थे, बट ना ड्राई करके रखे हुए थे, सुखाए नहीं थे। तो अभी बारिश तो बंद हो चुकी है, बट मौसम अभी भी बारिश का ये नहीं पता फिर से आ जाए। बट मैं कपड़े डाल आई हूँ बाहर, एक दो अंदर डाल दिए और बाकी सारे बाहर डाल आई। और गेहूँ धोए थे मैंने कल धोए थे भाई गेहूँ। और कल शाम को बारिश भी आ गई थी, दिन में तो खैर नहीं थी बट शाम को आ गई थी, तो मेरे को गेहूँ भी डालने हैं धूप में जैसे ही मौसम खुलता है। तो भाई तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, खांसी जुकाम और लगभग सभी को हो रहा है, दक्षिता को भी, विनीत को भी, मुझे भी। और इतना सर में दर्द रहता है ना, मतलब कोल्ड की वजह से, और ना कुछ काम करने का मन करता, ना खाना खाने का मन करता, सिर्फ चाय अच्छी लगती है कि पूरे दिन चाय पीते रहो। और अभी मैंने सुबह से लेकर अब तक 3 चाय पी चुकी हूँ, अदरवाइज मैं इतनी चाय नहीं पीती। जब मुझे कोल्ड होता है ना तभी मुझे रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है चाय की, तो अभी मैंने चाय पी है। और काम सारा ख़त्म हो चुका है, एक सूट डाल के आई हूँ सिलने के लिए, थोड़ा सा येलो और ग्रीन ग्रीन सा है, मैं सोच रही थी तीज पर डाल लूँगी, वैसे तो रखे हुए हैं ग्रीन बट वो पहने हुए हैं काफ़ी बार, तो एक सूट अभी डाल के आई हूँ। लाइट आई हुई है, अभी काम सारा हो चुका है और गेहूँ रखे हुए हैं, देखो ये रखे हुए गेहूँ, ठीक है देखो। दिन का टाइम है बट मैंने लाइट ऑन कर रखी है क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, बारिश तो रुकी बट थोड़ा सा होता है ना कि ऐसा मौसम है, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा। बाकी सारा क्लीनिंग का काम हो चुका है, अभी कर देंगे इनको बाल। और कल है ना, मतलब बेड शीट मैंने एक दो दिन पहले ही धोई थी, और फिर हुआ क्या, कल मैंने दवाई लेने के लिए, जैसे ही मैंने काम ख़त्म किया तो मैं सोच रही थी दवाई लूँगी, और पानी का गिलास ला के मैंने यहाँ पे रख दिया बेड शीट पे, वो मेरा हाथ लग गया, गलती से पूरी बेड शीट गीली होगी। फिर मैंने सोचा चलो धो ही देती हूँ, तो मैंने बेड शीट दोबारा से धोनी पड़ी भाई। अभी काम तो हो चुका है, मतलब जल्दी उठ जाती हूँ मैं सुबह, और जल्दी ही फिर काम भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, जल्दी उठने से जल्दी काम हो जाता है, मुझे जल्दी ही उठना पसंद है। तो बट ये है कि भाई ना तो रात को नींद आई लेट तक, जब मुझे कोल्ड वगैरह होता है ना गले में दर्द वगैरह, तो ना तो मुझे नींद आती है रात को ना दिन में। तो अभी सिर्फ मेरे को मेडिसिन लेनी है और फिर मैं सो जाऊंगी। गले में इन्फेक्शन की दवाई रखी हुई है, क्योंकि तो गले में जब इन्फेक्शन हो जाता है ना तो कुछ खाने पीने का मन करता है, सिर्फ चाय अच्छी लगती है बस मेरे को कोल्ड में, बाकी खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट वही होता है कि दवाइयाँ लेनी है फिर खाना पड़ता है। व्लॉग कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं क्योंकि तबीयत बस ऐसी चल रही है काफ़ी दिनों से, बच्चों की भी मेरी भी। सुबह मैंने सब्जी बनाई थी अरबी की, और शाम को सोच रही हूँ कढ़ी बनाऊँ, क्योंकि कुछ भी सब्जी खाने का मन नहीं है। बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा थोड़ी कढ़ी बनाना चटपटी सी, क्योंकि सभी को कोल्ड हो रहा है। तो मैं देखती हूँ शाम को कढ़ी वगैरह बनाऊँगी, अभी के लिए कुछ भी नहीं है। और कल मम्मी ने कराए थे कीर्तन भाई, जो मेरे मायके में नया घर बना था ना, तो उस टाइम तो हमने कराया नहीं था क्योंकि फंक्शन वगैरह था, तो कीर्तन नहीं करा पाए। तो मम्मी ने बोल रखे थे कि भाई जब नए घर में रहने लग जाएंगे ना तो कीर्तन वगैरह कराएंगे, तो फाइनली कल हो चुके हैं कीर्तन। तो सिस्टर ने वीडियो बना के भेजी थी, वो भी मैं छोटी सी ऐड कर दूंगी इसमें, तो आप भी देख लेना। अभी के लिए भाई इतना ही, अभी मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट मेडिसिन लेकर, उसके बाद फिर बच्चे आते हैं, फिर ब्लॉग की शुरुआत करते हैं दोबारा से। और देखती हूँ आज एक दो शॉर्ट्स भी बना लूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मिलेंगे आपको शाम को या फिर बच्चे आने का टाइम हुआ है अभी 2:30 बजे का। और मैं भाई अच्छी खासी नींद तो क्या ली, घर पर यूँ ही आँख बंद करके लेटी थी, थोड़ी नींद भी आ गई थी जिससे कि थोड़ा सा आराम मिला है। बाकी गला मेरा उतना ही ख़राब है, अभी भी गले में दर्द है। टाइम हो गया 2:30 बजे का, अभी मैं कपड़े उतार लाई, क्योंकि जैसे ही मैं सोई ना तो धूप निकल गई थी, तो सारे कपड़े वगैरह सूख गए हैं। और जो मैंने गेहूँ धोए थे वो भी मैंने धूप में डाल दिए, बट इतने ज़्यादा कबूतर आ गए, जैसे मैं गेहूँ डाल के आई बार 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 है ना, मेरे को उड़ा के आना पड़ रहा है। वैसे मैं कबूतरों के लिए अलग से डाल आई हूँ, बट वो वहाँ नहीं खा रहे, जहाँ पर मैं सुख के आई हूँ वहाँ पर खाने लग रहे हैं। फिर अब मेरे को भाई बार बार है ना इनको उड़ाना पड़ेगा, जहाँ वैसे मैं अलग से डाला है इनके लिए, लेकिन वहाँ नहीं खा रहे, बार बार इसी में खा रहे हैं, और जैसे आती हूँ एकदम से उड़ जाते हैं फिर से आ जाते हैं। तो भाई ये तो परेशान रखेंगे मेरे को, बार बार चेक करना पड़ेगा। सुबह सुबह के टाइम से नहीं आते, इस टाइम जो सुखा के अंदर आ जाते हैं ना, जब I'm not afraid to die.
तेरे हाथ में।